नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइफ 24x7 और मैं हूं आपके साथ नेहा राव। आज हम बात करेंगे टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने इसी साल 14 नवंबर को इटली के लेक होम में शादी की थी। उन्होंने इस साल पद्मावत के सिवा कोई फिल्म नहीं की। फिल्म वेबसाइट IMDb के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने साल 2018 में केवल एक फिल्म करने के बावजूद शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया। दीपिका पादुकोण ने अपनी डेब्यू फिल्म में ओम शांति ओम में शाहरुख खान के साथ काम किया था। IMDb ने मंगलवार को भारतीय सिनेमा के शीर्ष 10 सितारों की सूची जारी की थी। इसी लिस्ट में सुपरस्टार शाहरुख खान को दूसरा स्थान मिला है, जिसके बाद आमिर खान, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, कैटरीना कैफ, उमरा सेठ, इरफान खान, राधिका आप्टे और अक्षय कुमार का नाम है। पर्सनल लाइफ की बात करें, उन्होंने फिल्म रामलीला में अपने को स्टार रहे एक्टर रणवीर सिंह से इटली के लेक कोमो में 14 नवंबर को शादी कर ली थी। दोनों की भव्य शादी के बाद भारत में 3 रिसेप्शन भी हुए, जिनमें तमाम फिल्मी और खेल सितारे शरीक हुए थे। और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेशनल लाइफ 24x7।